माई सेल्फ सरिता बालोजी लेक्चर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडियाला. सो टुडे वी विल स्टडी लैकोप्रोन. लैक मीन्स लैक्टोस. सो इट कंट्रोल्स द ओप्रोन. सो ओप्रोन की है, इट इज़ अ यूनिट विच इज़ मेड अप ऑफ लिंक्ड जीन्स और एंड इट रेगुलेट्स अदर जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो लैकोप्रोन जिहड़ी इहदी एक्सप्लेनेशन है that was given by Jacob and Monod. They were the first to explain the transcriptionally regulated system. So in lacoprone refers to lactose, disaccharide sugar hai ode according ode upar depend karda hai te ide vich jehdiyan structural genes hai. In case of prokaryotes they are polycystronic. Polycystronic da matlab hai more than one protein is formed, ja assi keh sakde ki many proteins are formed. So ide vich jehdi structural genes hai they are regulated by common promoter and regulatory gene. ik inna diyan means jehda set of genes hai that is controlled by a common structure regulator जीन एज वैल एज एक प्रमोटर जीन इन्हों कंट्रोल करती है और प्रमोटर वो प्लेस है जिथे कि आके आर एन ए पोलीमरेस अटैच हुंदा है और फिर जड़ी इट मूव्स अरोंग अलोंग द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट और रीड करता है उसके अकॉर्डिंग जड़ियाँ प्रोटीनस बनदियाँ. ऑन दी अदर हैंड जड़ी रेगुलेटरी जीन है इनू असी कंट्रोल ये भी कंट्रोल करती है ये कंट्रोल करती है स्ट्रक्चरल जीन्स नू when to form proteins kadon genes banani hai te kis time jehdiyan proteins hai unna di need nahi hai and not to form proteins so that is controlled by the regulatory gene. e do tarah de set of genes hai jehdi ki control kar rahi hai the lacoprone. so here the regulatory gene may be activator हो सकती हैं repressor हो सकती हैं. so repressor का मतलब है कि no formation of proteins. so ना ये transcription होएगी ना proteins की formation होएगी. in case of activator दे विच की होएगा कि proteins genes जड़ियाँ they form proteins और transcription occur करेगी. सो लेट अस टेक द कंडीशंस की नाउ दिस इज ईकोलाई. हेयर द ईकोलाई इज इन द ईकोलाई देर इज डी एन ए फॉर्म्स मैसेंजर आर एन ए. मैसेंजर आर एन ए विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस. सॉरी इट विल इट इज इन केस ऑफ प्रोक्रियोट्स इट विल मूव टू द राइबोसोम्स. then there it will form the enzyme beta galactosidase by the process of transcription. suppose ki je lactose hai ode aale dole lactose hai then it will require energy. so energy nu kis tarah provide hoegi by breaking the lactose into glucose and galactose. so here the lactose is present. सो एक इस तरह की रेगुलेशन हो सकती है. दूसरी कंडीशन है कि जो लैक्टोस नहीं प्रेजेंट है. सो हेयर ये नो नीड टू ब्रेक लैक्टोस. क्यों? क्योंकि देर इज इट इज़ नॉट प्रेजेंट आउटसाइड. सो मोस्टली क्योंकि ये अंदर जड़ी बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाने की लोड़ नहीं है. क्यों? क्योंकि ये आले दुआले लैक्टोस नहीं है ना उन्होंने ब्रेक डाउन करने की लोड़ है ते ना ही ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करने की लोड़ है. सो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसके आले दुआले की सराउंडिंग है दैट उसके अकॉर्डिंग ही उसके विच जड़ियाँ एंजाइम्स की फॉर्मेशन होएगी. सो नाउ नेक्स्ट है कि सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टेरिया. इट इज़ कॉल्ड ओप्रोन. एक ओप्रोन सिस्टम है जिहड़ा कि इस तरह बैक्टेरिया के विच कंट्रोल करता है. लैक ओप्रोन कंसिस्ट ऑफ एक रेगुलेटरी जीन होएगी. सो उन्हू असी रिप्रजेंट आई दे नाल करांगे एंड दैट इज़ नोन एज इनहिबिटर नू कहने रेगुलेटरी जीन नू. और तीन इहदे विच स्ट्रक्चरल जीन्स है दैट इज़ जेड वाई ए.
सो आई चेन जड़ी है कोर्स फॉर द रिप्रेसर बनाएगी फॉर द ऑफ द लैक ऑपरॉन जड़ी हुण इहदे विच जेड जीन कोर्स फॉर बीटा गलैक्टोसाइडेस बीटा गैल लिख लेने से शॉर्ट विच विच इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लैक्टोस और लैक्टोस नूं इह गलैक्टोस और ग्लूकोस तोड़न दे विच मदद करती है ए एंजाइम दैट इज़ जेड जीन सो दूसरी है इहदे विच वाई जीन नैक्सट टू इट ए कोड करती है परमीएसिस नूं विच इनक्रीसिज़ द परमेबिलिटी ऑफ द सैल जिहदे नाल टू द लैक्टोस लैक्टोस नूं अंदर एंटर कराउण दे विच ए मदद करती है दैट इज़ वाई जीन द ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेस जिहड़ी कि ऑलसो इट एक्ट्स एज परमीएसिस सो बैक्टीरिया कैन नॉट डायरेक्टली यूज लैक्टोस एंड दैन लैक्टोस इज़ ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर फॉर्म्स उन्होंने ब्रेक डाउन करने ले ही इन जड़िया एंजाइम्स है उन्हों की लोड़ है उन्होंने पहला एंटर करवाना अंदर ईकोलाई दे फिर उदी ब्रेक डाउन करनी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सो हेयर इनहिबिटर इज़ द जो इनू कंट्रोल कर रहा है ज रोकदा है इस दी एंजाइम दी फॉर्मेशन नू दैट इज़ द रिप्रेसर जीन आई सो द थ्री जीन्स फॉर द मैटाबोलिज्म ऑफ द लैक्टोस तीन जीन्स है जिहड़ी मैटाबोलिज्म करती हैं लैक्टोस का सो एज वेल एज द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपरॉन आर नीडिड टूगैदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटिड मैटाबोलिक पाथवे जिस तरह की लैक ओपरॉन फंक्शन करेगा लैक्टोस की प्रेजेंस ना सो आप तीन स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन स्टडी करांगे हेयर सो ये पहला जेड जीन वाई ए जेड जीन दी जड़ी हेल्प्स टू फॉर्मेशन हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ बीटा गलैक्टोसाइडेस वाई जड़ी है दैट स्ट्रक्चर जीन इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम परमीएसिस ए इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द ट्रांस एसिटाइलेस सो इहदा फंक्शन की है कि इन ब्रेक करना है लैक्टोस इंटू ग्लूकोस एंड गलैक्टोस और परमीएसिस का काम है एंट्री ऑफ द लैक्टोस इनटू द सेल बाहर जड़ा इहदे आले दुआले लैक्टोस है उन्होंने अंदर एंटर करवाना है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द परमीएस ट्रांस एसिटाइलेस और इस तरह ही एक्ट करता है जिस तरह कि परमीएसिस एक्ट करते हैं सो टू कंडीशनस है आप स्टडी करांगे हेयर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो इहदे विच पहली जड़ी है दैट इज़ प्रमोटर पी दे नाल रिप्रजेंट किया है दैन रेगुलेटरी और इनहिबिटर जीन असी इत्थे कहने रेगुलेटर नू इनहिबिटरी जीन और असी नू रिप्रेसर भी कह सकते हैं सो इट प्रोड्यूसिस मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर जीन प्रोड्यूस करती है जिहड़ा कि रिप्रेसर नू बनांदा है सो दैन उस तो बाद है प्रमोटर दे ना फंक्शन करेगी दैट विल मूव फॉरवर्ड रीड करेगी स्ट्रक्चर जीन्स नू दैन उस तो बाद है ओपरेटर ओपरेटर दैन उस तो बाद है स्ट्रक्चरल जीन्स ना उस दो कंडीशनस आप ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर इंड्यूसर मीनस जड़ा ये लैक्टोस है दैट इज़ इंड्यूसर वो इंड्यूस कर रहा है इनू कि ऑन होना है जा ऑफ होना है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर उपर वाला है इन एबसेंस ऑफ द इंड्यूसर ना सपोज कि ये ईकोलाई के आले दुआले कोई ग्लूकोस नहीं मीनस लैक्टोस नहीं है देर इज़ नो इंड्यूसर सो देर इज़ नो नीड ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन इन द ईकोलाई उन्हों कोई लोड़ नहीं है उदे विच की बीटा गलैक्टोसाइडेस जे विच परमीएसिस और ट्रांस एसिटाइलेसिस बनाई जान बिकॉज देर इज़ नो नीड टू ब्रेक डाउन गलैक्टोस टू ग्लूकोस एंड गलैक्टोस सो हेयर जड़ा रिप्रेसर होएगा इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आर एन ए पोलीमरेस फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन फिर जी आर एन ए पोलीमरेस है जी दैट विल नॉट बाइंड टू द प्रमोटर और जी स्ट्रक्चरल जीन्स है वह नहीं पढ़िया जाएगियाँ इट विल दे विल नॉट फॉर्म
मैसेंजर आरएनएस और उन्हों की कोई कोड नहीं करेगा. सो दिस इज़ द केस इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर. सो नो लैक्टोज, सो एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज ऑफ कंडीशन है बिकॉज हेयर कोई इहदे विच एंजाइम्स की फॉरमेशन नहीं. दूसरा कंडीशन आप लै रहे हैं ये कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ईकोलाई है ये आले दुआले लैक्टोस है. नाउ दिस लैक्टोस विल एंटर द ईकोलाई. सो ड्यू टू परमीएसिस और परमेबिलिटी अलाउ करेगी द लैक्टोस इनसाइड द ईकोलाई थ्रू द सेल वॉल. सो हेयर जेड़ा प्रमोटर है दिस इज प्रमोटर ए जेड़ी दी रेगुलेटरी जीन है ओ इनहिबिटर है. इट इज अगेन इट विल प्रोड्यूस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए विल प्रोड्यूस द रिप्रेसर और हेयर द इंड्यूसर दैट मीन्स जेड़ा लैक्टोस है इट विल कंबाइन विद द रिप्रेसर और उन्हों ब्लॉक कर देगा जाए उन्हों एक तरह इनएक्टिव कर देगा इंड्यूसर हेयर. सो उन्हों ब्लॉक करन दे नाल वो की होएगा रिप्रेसर इट विल नॉट बाइंड टू दी ओपरेटर. वैसे ओपरेटर नाल जाके बाइंड करना सी हुण की होया इहदे विच इट डस नॉट बाइंड टू दी ओपरेटर. एज अ रिजल्ट आर एन ए पोलीमरेस अटैचिस विद द प्रमोटर एंड इट रनस थ्रू द स्ट्रक्चरल जीन्स और इनू रीड करके ये कोरसपोंडिंग मैसेंजर आर एन एस बन गए और ये तीन जड़िया एंजाइम्स बन गई दैट इज़ बीटा गलैक्टोसाइटेस परमीएसिस एंड ट्रांस एसिटाइलेस बाय द प्रोसैस ऑफ ट्रांसलेशन. सो हेयर लैक्टोस इज देयर सो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. द ओपरोन इज ऑन कंडीशन. So here there is formation of the enzymes. Now lactose is the substrate here. So for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off of the operon. So इत्थे जेड़ा lactose ही है जेड़ा main substrate है जेड़ा की on off करन दे विच ओपरोन नू ऑन जा ऑफ करन दे विच स्विच ऑन करना जा स्विच ऑफ करना दैट इज डिसाइडेड बाय द लैक्टोस. सो लैक्टोस इज नोन एज इंड्यूसर. इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोस इफ लैक्टोस इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम कि इहदे विच ग्लूकोस नहीं है उसे ईकोलाई दे आले दुआले मीनस लैक्टोस दे दिता जाता है. So in the grow as a growth medium of the bacteria the lactose is transported into the cells through the action of the permeasis. So lactose ide andar kis tarah enter karega by means of permeasis. Ida matlab hai ki there is some quantity of permeasis hamesha low concentration ja is tarah ide vich formation rehndi hai. Genes apniyan expression show kardiyan. A very few low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time ताकि जदों इनू lactose available होएगा वो enter कर सके नहीं तो otherwise lactose इहदे अंदर enter नहीं कर सकता. Lactose then induces the operon in the following ways. जेड़ा हुण इंड्यूसर है दैट इज़ द लैक्टोस हाउ इट इफेक्ट्स द ओपरोन. पहला असी दी ऑफ कंडीशन लवेंगे. सो हेयर इन दी ऑफ कंडीशन द रिप्रेसर जिहड़ी प्रोटीन सी ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ द ओपरोन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम. रिप्रेसर हमेशा ही बनता है ये विच. सो फ्रॉम द आई जीन तो बनया जिस तरह असी पढ़ चुके हैं. द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडस विद द ओपरेटर. रिप्रेसर प्रोटीन जी आई सी और रिप्रेसर जड़ा बनता है वह जाके ओपरेटर दे नाल जुड़ जाता है. सो इट प्रिवेंट्स द आर एन ए पोलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपरोन. जिहड़ी हुण उपरों स्ट्रक्चरल जीन्स के थ्रू जिहड़ा आर एन ए पोलीमरेज रन करना सी और उन स्ट्रक्चरल जीन्स तो ट्रांसक्रिप्शन करके और एंजाइम्स बनानिया सी दैट आर नॉट फॉर्म्ड. नाउ टेकिंग द अदर कंडीशन दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंड्यूसर.
सो अगर इंड्यूसर है लैक्टोस ओ एलो लैक्टोस, एलो लैक्टोस भी एक तरह का कन्वर्शन ऑफ लैक्टोस ही है, कोई भी इस तरह का इंड्यूसर है इन्हां दे विच, दैन वट विल हैपन, द रिप्रैसर इज़ इनएक्टिवेटेड, जिहड़ा रिप्रैसर है दैट इज़ कोई इंड्यूसर आ गया जां इत्थे कोई मीनस लैक्टोस जैलो लैक्टोस आ जाता है तो इनू जिहड़ा इहदी इनएक्टिवेशन कर देगा बाय द इंट्रैक्शन विद द इंड्यूसर, इंड्यूसर इहदी इनएक्टिवेशन कर देगा रिप्रैसर दी, दिस अलाउस आर एन ए, फिर इट विल नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, सो हेयर द आर एन ए पोलीमरेज जिहड़ी है जॉइंस द प्रमोटर और एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स और पूरी जिहड़ी दिस वाई जेड ए जीन्स है दैट इज़ रेड बाय द आर एन ए पोलीमरेज एस इट पासिस ओवर द स्ट्रक्चरल जीन्स, सो द रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपरियन बाय द रिप्रैसर, रिप्रैसर इतने इनू कंट्रोल कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ आई जीन करके इनहिबिटरी जीन प्रोड्यूस करता है, इज रेफर टू एस नैगेटिव रेगुलेशन, इस करके इनू नैगेटिव रेगुलेशन भी किया जाता है, सो ग्लूकोस और गलैक्टोस कैन नॉट एक्ट एस इंड्यूसर फॉर द लैक ओपरोन, ये डायरेक्टली ग्लूकोस और गलैक्टोस नहीं ले सकती कोई, इट हैज़ टू ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोस लैक्टोस इंटू ग्लूकोस एंड गलैक्टोस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो एंजाइम्स जिहड़ियां सिंथसिस है ये असी उन्होंने देखते हुए एंजाइम सिंथसाइज्ड जिहड़ियां होईयां है दैट इज़ ब्री जिहड़ियां इहदे विच एंजाइम दी फॉर्मेशनस है असी उन्हों देखते हुए दस सकते हैं कि वैदर लैक ओपरोन इज़ ऑन और ऑफ, जे एंजाइम्स की फॉर्मेशन है दैन इट इज़ ऑन, अगर एंजाइम्स की फॉर्मेशन नहीं है दैन इट इज़ ऑफ, सो इस तरह एंजाइम सिंथसिस तो असी लैक ओपरोन की वी कैन टैल वैदर इट इज़ ऑन और ऑफ, सो दिस कंप्लीट्स लैक ओपरोन।